हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 25 है। इसके अंदर हम अपनी कैटेगरी जो हमने बनाई थी इसको हम डिलीट और एडिट करेंगे, ठीक है, एडमिन पैनल से। तो हम अपने अभी ब्राउज़र पे आते हैं। तो ये हमारा पेज है मैनेज कैटेगरी वाला, इस पर हमने ड्रॉप डाउन लगा रखा है एडिट के लिए और डिलीट के लिए। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हमारा काम क्या रहेगा कि इस एडिट करना है और इसको डिलीट करना है। उससे पहले जो हमने ये सेक्शन को अधूरा छोड़ा हुआ है इसको पूरा कर लेते हैं। तो इसमें हमें एक बॉर्डर बॉटम लगानी है, ठीक है, और इसके बाद इसकी पैडिंग को थोड़ा कम करना है, पैडिंग 10%, ठीक है। तो ये हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे डिलीट कैटेगरी। तो हमें यहाँ पे आना है डिलीट वाले लिंक के ऊपर। तो ये हमारा डिलीट का लिंक है। अब हमें इस पर क्या करना है कि हम सबसे पहले कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। तो ऑन क्लिक कन्फर्म, ठीक है, ऑन क्लिक कंफर्मेशन चाहते हैं। आर यू श्योर डिलीट दिस कैटेगरी, ठीक है, क्या आप इस कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं। रीलोड करते हैं एक बार, क्लिक करेंगे डिलीट, आर यू श्योर डिलीट दिस कैटेगरी, ओके, तभी ये फंक्शन पे जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये फंक्शन पे नहीं जाएगा। अब इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे डिलीट कैटेगरी वाले को। हमें जाना है एडमिन के अंदर, एडमिन के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन डिलीट कैटेगरी। इसके अंदर हमारे पास आईडी आ रही है कैटेगरी, ठीक है, और अभी हमें सेशन चेक करना है। पहले तो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, एल्स के अंदर कि हम चेक करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं आईडी इक्वल एम्प्टी। अगर आईडी एम्प्टी रहेगी तो हमें मैसेज आएगा कि पहले यहाँ पे आप आईडी पास करो, उसके बाद ही आप कैटेगरी को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे एक आईडी इक्वल इक्वल एम्प्टी है तो फ्लैश मैसेज हमें सेव शो करवाना है। एल्स, एल्स में हमें क्या करना है, एक आर्गुमेंट सेट करना है कि जहाँ पे आईडी बराबर हो ये वाली आईडी उसको डिलीट करना है, ठीक है। डॉलर दिस रूल मॉडल डिलीट रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट, ठीक है। इसमें भी हमें दो पैरामीटर देने हैं, सबसे पहले माय शॉप टेबल नेम, ठीक है, ठीक है, ये इसका टेबल नेम है और इसका ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमें बनाना है हमारे मॉडल के अंदर। तो हमारा मॉडल है मेन डॉट पी एच पी, पब्लिक फंक्शन, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास टेबल नेम, इसके बाद हमारे पास आ रहा है आर्ग्यूमेंट। तो डॉलर दिस डी बी डिलीट वहाँ पे करना है इस टेबल में, किसको करना है इस आर्गुमेंट को, ठीक है। डिलीट रिकॉर्ड डॉलर दिस डी बी अफेक्टेड रोज, अगर डेटाबेस में कुछ रो अफेक्टेड हुई है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो जैसा भी रिजल्ट आएगा, हमारे पास एक वेरिएबल है रिज़ल्ट का, उसके अंदर वो रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है इसमें अगर ट्रू आ रहा है मॉडल से तो हमें एक मैसेज शो करना है, एल्स, एल्स में भी हमें एक मैसेज शो करना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डॉलर दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, इसमें हमें एरर मैसेज दिखाना है, प्लीज़ पास कैटेगरी आईडी, ठीक है।
कि इसमें आपको कैटेगरी आईडी पास करनी है। अगर मान लो कोई यूआरएल में कैटेगरी आईडी पास नहीं करता और डायरेक्ट इसी यूआरएल को हिट करता है तो ये वाली फ्लैश मैसेज शो होगा, ठीक है। तो इसी को कॉपी करेंगे और एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा होगा सक्सेस फंक्शन, ठीक है। इसको हम दे देते हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको एरर मैसेज के अंदर दे देते हैं फेल कैटेगरी डिलीट, ठीक है। और इसको कहाँ रिडायरेक्ट कराना है हमें, इन सभी को हमारे को रिडायरेक्ट करवाना है रिटर्न, रिडायरेक्ट होना चाहिए ये एडमिन के अंदर मैनेज कैटेगरी वाले फंक्शन पे, ठीक है। रीलोड करेंगे अभी हम, ठीक है। और अभी हम एक कैटेगरी को डिलीट करते हैं, जैसे कि ये वीडियो गेम की कैटेगरी है, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ओके कर देंगे, कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुली डिलीट, यहाँ से हो गई हमारी कैटेगरी। अब हमें क्या करना है कि जो अभी हमने एक और बनाया था कि जब तक आप यूआरएल में आईडी पास नहीं करेंगे तब तक कैटेगरी को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका यूआरएल पास कर लेते हैं, यहाँ से इसका ये यूआरएल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम ये साथ हटा देते हैं और हम डायरेक्ट एंटर करेंगे डिलीट कैटेगरी पे। तो ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ पास कैटेगरी आईडी, कि आपको कैटेगरी आईडी डालनी पड़ेगी तभी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिडेशन हो गया और हमारे पास चार कैटेगरी बची है, तो मैं इन चारों को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने सारी कैटेगरी को डिलीट कर दिया है और हमारे पास मैसेज आ रहा है कैटेगरी नॉट फाउंड का, ठीक है। अब ये वाला मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है एल्स में से, कि अगर मान लो कि डाटाबेस में एक भी कैटेगरी नहीं है तो एल्स कंडीशन चलेगी, ठीक है। और इसमें हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में हो गया ये कैटेगरी नॉट फाउंड, कि आपके पास एक भी कैटेगरी नहीं है। अब इसी तरह से हमें होम पेज पे भी मिलेगा ये वाला मैसेज कि आपके पास एक भी कैटेगरी नहीं है अपने डेटाबेस में, तो लोकल होस्ट माई शॉप, ठीक है, कैटेगरी नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये वाला मैसेज हमारे पास सभी जगह आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक कैटेगरी करते हैं, जैसे कि एक हम इमेज ले लेते हैं और इमेज के अंदर हम कुछ कैटेगरी इंसर्ट करवा देते हैं, जैसे कि इसमें मैं लिख देता हूँ हमारे पास कैटेगरी कहाँ पर है, ये यहाँ पे, तो ज्वेलरी में लिख देता हूँ, ठीक है। ज्वेलरी की इमेज है और हमने जैसे इसको लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सेव कर देते हैं। हमारे पास इमेज ज्वेलरी की है और हमने कैटेगरी को नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स, कि इस कैटेगरी को हम एडिट करना चाहते हैं, कि ये हमारी एंट्री थोड़ी मिसमैच हो गई, गलत हो गई, तो इसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो एडिट करने के लिए हमें एडिट का पेज बनाना पड़ेगा और उससे पहले हमें एक काम करना है कि जो हमने जो ये लिंक दिया है, ये वाला लिंक हमें यहाँ पे भी देना है रिसेंट अपलोड कैटेगरी वाले पेज पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और जो हमारा डिलीट का जो ये वाला लिंक है इसको हम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज कर लेते हैं, कैट के नाम से ही है ये भी, ठीक है। और इस पर हमें मैसेज भी दिखाना है कि ऑन क्लिक करने पे पहले कंफर्मेशन दे, तो ये वाला भी हम इसमें पास कर देते हैं कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। क्लिक करते हैं, ओके करेंगे, डिलीट हो गया। फिर से एक और एडिट करते हैं, ठीक है, ये हमने कुछ अपलोड कर दिया। अब हम इस कैटेगरी को एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा जो लिंक है इसको हमें देना पड़ेगा एडमिन, तो एडमिन नहीं बेस यूआरएल। अब ये कहाँ पे जाएगा क्लिक होने पे, एडमिन कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर के अंदर एडिट
कैटेगरी और कौन सी कैटेगरी को एडिट करना है उसकी हम आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, हम क्लिक करते हैं तो ये इस फंक्शन पे जा रहा है, एडिट कैटेगरी 10 नंबर की आईडी है। ठीक है, एडमिन पे आएंगे और हम यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन नहीं लिखना है इसलिए, और इसको रीनेम कर लेते हैं थोड़ा, एडिट कैटेगरी का आईडी हमारे पास आ रही है else में भी हमें वही कंडीशन लगानी है, अगर आईडी हमारे पास नहीं है तो उसको मैसेज दिखाना है, पहले आप आईडी पास करो उसके बाद इसके डिटेल हमें मिलेगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट बनाना है क्योंकि जिस कैटेगरी पर हमने क्लिक किया है उसकी डिटेल हमें पहले चाहिए। तो आईडी बराबर ये वाली आईडी है, और हमने फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है कैटेगरी का डिटेल लेने के लिए, रूट मॉडल फैच रिकॉर्ड बाय आर्ग्यूमेंट। अब ये वाला फंक्शन हमने पहले बना रखा है तो अब हम दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं तो हमारे पास इस वाला जो मॉडल से हमने क्वेरी लिखी है इस वाले में हमारे पास ये वाला रो आ जाएगी, और हम इसको लिख देते हैं डाटा कैटेगरी। इस वाले वेरिएबल में हमारे पास वो वाली रो आ गई जिस पे हमने अभी क्लिक किया है। ठीक है, और एक पेज हमें लोड करवाना है, डॉलर दिस लोड व्यू, व्यू का हमारा नाम रहेगा एडिट कैटेगरी, और इसमें हम डाटा पास कर देते हैं, रीलोड करेंगे। ठीक है, कौन सा पेज कॉपी करेंगे, ऐड कैटेगरी वाला, क्योंकि वही फॉर्म हमें चाहिए तो वही पेज हम कॉपी करेंगे ऐड कैटेगरी के लिए। ठीक है, यही पेज हमारे पास आ गया है एडिट कैटेगरी, इसको बंद कर देते हैं, मैनेज कैटेगरी को, मेन को भी बंद कर देते हैं। अभी हमने इसको फोल्डर नहीं दिया तो इसलिए ये नहीं ले रहा, तो एडमिन के अंदर हमने डाला है उसे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है, एरर इसलिए आ रही है कि इसमें हमने वो वाला फंक्शन नहीं दिया, वो वेरिएबल नहीं दिया जो हमने ऐड कैटेगरी के अंदर दिया हुआ है। तो ऐड कैटेगरी वाले फंक्शन से उस वाले फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं ये वाला, कि हमने ये पास नहीं किया हुआ वेरिएबल जहाँ पे हमारे पास रीसेंट कैटेगरी आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी और कैटेगरीज आ जाएगी, ये रीसेंट कैटेगरी है और ये वाली सिंगल कैटेगरी है, तो अब एरर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडिट कैटेगरी पे चलना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है एडिट कैटेगरी, यहाँ पे भी हमें करना है एडिट कैटेगरी। अब हमारे पास कैटेगरी नेम है, अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, तो वैल्यू हमारे को दिखानी है, तो कैटेगरी का वेरिएबल रहेगा, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा एरे के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, और हमें जीरो इंडेक्स वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, कि जो एक नंबर पे जैसे लूप चलाते हैं तो जीरो इंडेक्स का जो पहला लूप होता है उसी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, इसमें हम रो नहीं उठा रहे हैं, इसमें पूरा रिज़ल्ट उठा रहे हैं और जीरो नंबर के इंडेक्स की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कैटेगरी नेम, रीलोड करेंगे अनरियल इंजन। ठीक है, यही कैटेगरी दी थी, इसके बाद हमें देना है इमेज का, इमेज देना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा इमेज बना लेते हैं, इमेज SRC उसका क्या रहेगा कि बेस URL। ठीक है, बेस URL के बाद फोल्डर का नेम अपलोड्स, उसके बाद दूसरा फोल्डर कैटेगरी इमेज, इसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम रहेगा कैटेगरी के अंदर इमेज के नाम से कॉलम है उसके अंदर हमारी इमेज है। ठीक है, अभी हमने जीरो इंडेक्स नहीं बताया तो इसने एरर दे दिया नॉन ऑब्जेक्टिव का, तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये वाली हमारे पास इमेज भी आ रही है, और इस इमेज को हम थोड़ा सेट कर देते हैं स्टाइल, विड्थ हम बना देते हैं 100 पिक्सल, हाइट हम दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल हमने दे दिया है इसे,
और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं 2px-silver। ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई, उसका हमें आउटपुट दिख रहा है कि ये वाली इमेज आपने अपलोड कर रखी है। अगर आपको इमेज अपलोड करनी है तो आप इमेज दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं अपडेट कैटेगरी। और इसका हमें एक चीज़ और चेंज करना पड़ेगा, ये हमने पहले से ही गलत लिख दिया है अपडेट कैटेगरी के नाम से, इसको हमें पहले लिखना है। ये वाला तो हमारा अपडेट रहेगा, लेकिन जो हमने ऐड कैटेगरी के अंदर जो फॉर्म में एक्शन दिया है वो हमारा अपलोड कैटेगरी रहेगा। ठीक है, अपलोड कैटेगरी इसको चेंज करना है हमें, वो हमने गलती कर दिया था वहाँ पे, तो इसको हमें अपडेट की जगह अपलोड कैटेगरी रखना है, क्योंकि हम शुरू में तो एडिट नहीं करवा सकते, शुरू में हमें अपलोड करना है, उसके बाद हमें एडिट करना है। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं हमारे इस वाले पेज के ऊपर, ऐड कैटेगरी वाले में, एडिट कैटेगरी के अंदर। ऐड को हम बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर से हमें कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, अभी हम हैं एडिट कैटेगरी के अंदर। ठीक है, जब हम अपडेट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है फॉर्म ओपन वाला वो चलेगा, तो वो हमारा कहाँ लेके जाएगा, एडमिन कंट्रोलर के अंदर अपडेट कैटेगरी पे। कॉपी करते हैं, एडमिन में चलते हैं, और ये वाला पूरा फंक्शन कॉपी करना है हमें, क्योंकि यही फंक्शन हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी, और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, पेस्ट करेंगे, और इसको हमें लिखना है अब अपडेट कैटेगरी, क्योंकि अब हम कैटेगरी को अपडेट कर रहे हैं, और कौन सी कैटेगरी को अपडेट कर रहे हैं इसकी आईडी भी हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो स्लैश कैटेगरी 0, और ये उसकी आईडी रहेगी। ठीक है, इस कैटेगरी को हम एडिट करवाना चाहते हैं, तो वापस से हमें वही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई चेंज नहीं करना, उसके बाद हमारे पास आती है इमेज। इमेज के साथ हमें क्या करना है कि पहले तो हम चेक करेंगे चेक इमेज। ठीक है, कि अगर मान लो कि एडमिन ने इमेज चेंज नहीं की, ओनली टेक्स्ट ही, उसकी हेडिंग ही चेंज की है, तो पहले हम इमेज चेक करेंगे कि उसने इमेज भी चेंज की है या नहीं की। तो इसके लिए हम लिखेंगे डॉलर फाइल्स, फाइल्स के अंदर इमेज, और इमेज के अंदर नेम इक्वल इक्वल एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं होगा, एल्स अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हमें इमेज को अपलोड कराना होगा। ठीक है, तो ये अपलोड कराने वाला कोड हम इसमें लिख देते हैं, तो तब अपलोड होगी जब उसने इमेज को सेलेक्ट किया हुआ होगा। उससे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी पुरानी इमेज है वो हमारी डिलीट होनी चाहिए पहले। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, तो डॉलर आर्ग्यूमेंट बनाना है पुरानी इमेज का, पहले पुरानी इमेज डाटाबेस से लेनी है। ठीक है, आईडी, आईडी बराबर ये वाली आईडी है जो हमारे पास अभी आ रही है, उसका हमें डाटाबेस से वैल्यू लेना है। क्रूड मॉडल ठीक है, टेबल नेम, और ये हमारा आर्ग्यूमेंट। अब इसको हम लिख देते हैं ओल्ड डाटा। ठीक है, इसमें हम पहले चेक कर रहे हैं जो फाइल का नेम है वो क्या है। अब हमें क्या करना है कि जो ओल्ड डाटा पूरा डाटा आ रहा है, अब हम करेंगे डिलीट इमेज, जो हमारी पुरानी इमेज है उसको डिलीट करेंगे, डिलीट ओल्ड इमेज। ठीक है, वो हम फोल्डर में से डिलीट करवा देंगे। अब हमें डिलीट करने के लिए अनलिंक करना है कौन सी फाइल को, अपलोड का फोल्डर है उसके अंदर, कैटेगरी इमेज का फोल्डर है उसके अंदर जो ओल्ड डाटा है उसमें हमें वही जीरो इंडेक्स की इमेज को डिलीट करवाना है। ठीक है, तो ये डिलीट हो गई, उसके बाद ये इमेज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटस चेंज नहीं करना, डेट चेंज नहीं करनी हमें, ओनली हमें कैटेगरी नेम और उसकी इमेज दोनों को चेक करना है। ठीक है,
ये हमारा सिंपल सा वो हो गया, तो इसको अलग अलग में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो उसने इमेज सेलेक्ट नहीं की फिर भी उसकी इमेज को उसकी इमेज फिर भी अपडेट हो जाएगी, तो इसके लिए हमें उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, दोबारा कोड लिखते हैं। डाटा क्या नाम से है, सबसे पहले कैटेगरी नेम, ठीक है, कैटेगरी का नेम क्या रहेगा, डॉलर दिस इनपुट फॉल्स, ठीक है, कैटेगरी का नेम आ जाएगा हमारे उस फॉर्म से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैटेगरी का नेम हमारे दोनों कंडीशन में आ रहा है, और जब उसने इमेज को सेलेक्ट किया हुआ है तो डाटा इमेज और इमेज के अंदर हमारी ये वाली इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये तभी आएगी जब इमेज को उसने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर सेलेक्ट नहीं है तो उसके पास इमेज में कोई अपडेट नहीं होगा, ओनली कैटेगरी नेम में अपडेट होगा। और उसका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, ARGS आर्ग्यूमेंट हमारा वही पुराना रहेगा, ID बराबर ये ID रहनी चाहिए। ठीक है, अब हमें अपडेट के लिए फंक्शन बनाना है, तो डॉलर दिस रूट मॉडल अपडेट रिकॉर्ड्स बाय आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट टेबल नेम, दूसरा आर्ग्यूमेंट डाटा, तीसरा आर्ग्यूमेंट तीसरा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब हमें फंक्शन देखना है ये बना हुआ है या नहीं, मेन डॉट पी एच पी में अपडेट के लिए कुछ भी नहीं बना हुआ। ठीक है, अपडेट के लिए बनाना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन, पहला पैरामीटर टेबल नेम, दूसरा पैरामीटर डाटा, तीसरा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डॉलर दिस डीबी वेयर, जहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट हो और वहाँ पे अपडेट हो जाए इस टेबल के अंदर, और अब डाटा क्या है, ये डाटा है। ठीक है, वेरिएबल है अपडेट रिकॉर्ड। अब इस फॉर्म कैसे चेक करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड रो अगर अपडेट हुआ है तो रो अफेक्टेड होगी तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, एल्स में रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और इस वाला जो ये हमने फंक्शन कॉल किया था इसको हम बना देते हैं रिजल्ट के नाम से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने हमारा काम कर लिया है, अब हमें क्या चेक करना है कि कैटेगरी नेम एम्प्टी है और इमेज को हम खाली छोड़ देते हैं, इसको हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो मैसेज चला जाएगा प्लीज़ एंटर कैटेगरी नेम, क्योंकि एक ही कॉलम है, प्लीज़ एंटर कैटेगरी नेम। ठीक है, एल्स के अंदर हमारा यही काम होगा। तो अब ये जितना भी हमने कोड लिखा है ये सारा हम इस वाले कंडीशन में डाल देंगे। ठीक है, एल्स वाले में यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने फंक्शन लिख लिया है। ठीक है, ये हमने हमारा इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। अब जो हमने ये कोड लिखा है पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, पेज रीलोड करेंगे। अब हमने लिखा है अनरियल इंजन, अपडेट को हटा देते हैं। ठीक है, इमेज हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, अपडेट पे हम क्लिक करेंगे, ये रिक्वायर फंक्शन लगा हुआ है तो इसको हटाना पड़ेगा पहले, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कैटेगरी को इमेज को भी आप एडिट करो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पेज रीलोड करेंगे, अपडेट को हमने हटाया। ठीक है, पहले हमारे पास अपडेट लिखा हुआ था, अब हमने अपडेट को हटा दिया तो हम ये वाला चेंज कर रहे हैं। अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ एंटर कैटेगरी नेम, तो ये हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है कि आप कैटेगरी का नेम इंसर्ट करो। ठीक है, तो ये वाला मैसेज क्यों आ रहा है, तो ये देखने के लिए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ से
कॉन्फ़िग तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे आना है, ठीक है, इसको हमें ऊपर डालना है, क्योंकि पहले चेक हो रहा है कि इस वाले वेरिएबल में कोई डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी इसका हम नेम चेक कर लेते हैं कॉपी करके, यही नाम दिया हुआ है, ठीक है, इस वाले वेरिएबल में कैटेगरी का नेम जा रहा है। फिर ये चेक करेगा एम्प्टी है तो मैसेज दिखाएगा, एल्स आर्ग्यूमेंट हमने सेट किया है, आईडी बराबर हमारी आईडी है, और हमने एक फंक्शन कॉल किया है क्रूड मॉडल में अपडेट रिकॉर्ड बाय आर्ग्यूमेंट, ये टेबल नेम है, ये डाटा है, तो डाटा कहाँ से जा रहा है, ये वाला हमारा डाटा रहेगा, और आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। फिर ये चेक कर रहा है कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, कैटेगरी अपडेट फाइल कैटेगरी अपडेट, ये रिटर्न कहाँ पे होना चाहिए, एडिट कैटेगरी पे, एडिट कैटेगरी के अंदर ये हमारी आईडी है, ठीक है। अब हम दोबारा करके देखते हैं, एडिट पे क्लिक किया, इसकी जगह हम ज्वेलरी लिख देते हैं डायरेक्ट, ज्वेलरी वाली कैटेगरी है ये, और अब हम डेट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, ज्वेलरी को हमने चेंज किया था, तो अब हम एक बार और करते हैं ज्वेलरी अपडेट, और इसके साथ हम इमेज भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारी ज्वेलरी की इमेज है, अपडेट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारी इमेज भी चेंज हो गई। अब हमें क्या चेक करना है कि जो ज्वेलरी की इमेज है वो हमारे फोल्डर से डिलीट हुई या नहीं हुई, उसको भी चेक करना है। हमारा फोल्डर है वैम प्रोजेक्ट www और माई शॉप अपलोड्स कैटेगरी इमेज, तो हमारे पास इतनी सारी कैटेगरी है, पहले हम सारी कैटेगरी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, सारी कैटेगरी की इमेज को डिलीट किया, फ्रेश करेंगे अभी हम, ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हमें करना है कैटेगरी को ऐड, तो उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारा जो लैपटॉप है इसका जो बैटरी है वो एकदम ख़त्म हो गया है, पहले अब हम इसमें एक नई कैटेगरी इंसर्ट करवाते हैं, जैसे कि पहले हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि होम किचन की इमेज हमने सेलेक्ट किए हैं, तो होम एंड किचन सेव करेंगे, ठीक है। एक और हम इमेज लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज ले ली हमने, ठीक है, सेव किया। अब हमें जैसे कि होम किचन को एडिट करना है, तो हमें एंड हटाना है और एंड की जगह हमें एंड लिखना है, ठीक है, ओनली इसमें हमने हेडिंग चेंज की है, अपडेट कर देंगे, चेंज हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी पे आते हैं, अब इसके अंदर हमें हेडिंग नहीं करनी, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज को चेंज करना है, इसकी जगह हम ये वाली इमेज लगा देते हैं और अपडेट कर देते हैं, ठीक है, इमेज अपडेट हो गई हमारी। इसमें आते फोल्डर में, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज थी वो यहाँ से डिलीट हो गई फोल्डर के अंदर से, और ओनली हमारे पास होम किचन है और हमारे पास क्लॉथ की इमेज है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से सही कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज डाल देते हैं दोबारा, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपडेट कर देंगे, तो जो हमारी पुरानी जो क्लॉथ की इमेज थी वो भी यहाँ से हट गई, ठीक है। तो ये हमने पूरा कर लिया है, एडिट वाला सिस्टम बना लिया कि हम चाहे तो कैटेगरी का नेम एडिट कर सकते हैं और चाहे तो हम दोनों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने ये पूरा एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है, जो हम चेक कर रहे हैं कि इमेज हमारे पास सिलेक्टेड है तो ही इमेज को डिलीट होगी और उसके ऊपर एडिट होगी, ठीक है, नहीं तो इमेज के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, ओनली हेडिंग के ऊपर होगा। तो इस वाला लेक्चर का काम हमने कंप्लीट कर लिया है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।